नाम है बेटा आपका? इवान। इवान कहाँ से आए? करनाल से। करनाल से ये कपड़े पहने हैं, पता है किसके कपड़े है ये? हरियाणा से आए हैं, पूर्व सैनिक सभा से, और सारे पूर्व सैनिक वहाँ से आए हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारी किसी भी पॉलिटिकल किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हम तो मौजूदा सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। 18 साल सर्विस करके आता है, कोई 19 साल करके सर्विस आता है, उसको इस ORP 2 से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे धक्के मार के बाहर किया है उन्होंने, क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई ये तो अपनी मर्जी से पेंशन लेकर के आए हैं, लेकिन एक सैनिक जो है वो मजबूरी में पेंशन लेकर के आता है, जो 17-18 साल सर्विस करके आता है। न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप मेरे साथ इस छोटे बच्चे को देख सकते हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी है और जय हिंद का इन्होंने हाथ पे लगा रखा है। साथ में एक बैनर है, पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को लेकर कुंभकर्ण की नींद सो रही है केंद्र सरकार। चौकीदार कहा था आज से 3-4 साल पहले अपने आप को मोदी जी ने, और आज वही चौकीदार सो रहा है। और जो असल मायने में देश के चौकीदार है वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार इनसे जानते हैं इनका धरना प्रदर्शन का क्या कारण है। पहले सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? इवान। इवान कहाँ से आए? करनाल से। करनाल से ये कपड़े पहने हैं, पता है किसके कपड़े है ये? फौजी। फौजी कितने साल के आप? 4। कितने? 4 साल के हो। क्यों आए हो आज यहाँ पे? अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हक की लड़ाई करने लेने आए हो? क्या हक चाहिए आपको? जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं जाओगे? आज आप लोग यहाँ पे आए किस चीज के लिए आए हैं? हम करनाल हरियाणा से आए हैं, पूर्व सैनिक सभा से, और सारे पूर्व सैनिक वहाँ से आए हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारी किसी भी पॉलिटिकल किसी भी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हम तो मौजूदा सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, और ना ही किसी को पॉलिटिशियन को कोई भी पार्टी को बीच में इन्वॉल्वमेंट करेंगे। हम सैनिकों की सीधी लड़ाई है मौजूदा सरकार से, और वो अपने हक की लड़ाई। चौकीदार चौकीदार से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल 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 लड़ रहे हैं। हमारा जो ORP 2 में जो हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई है, जिसको सिर्फ ऑफिसरों की पेंशन बढ़ाई है, हमारे को भी समान अधिकार चाहिए, 1 पेंशन 1 रैंक चाहिए, उसके हक की लड़ाई के लिए आज हम जंतर मंतर धरना पे आए हैं, और अपनी लड़ाई को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को बीच में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, क्योंकि हम सैनिकों में इतना दम है कि हम अपनी लड़ाई लड़े और अपना हक लेके हटेंगे। केंद्र सरकार तो कहती है कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम जो है वो सभी के लिए एक समान है। केंद्र सरकार जो हमने सुना था अखबारों में और पब्लिक से सुना था कि ये जुमला है, उन्होंने फौजियों के लिए भी एक जुमला ही कर दिया है। ना फौजियों का जो उनका हक था उनको हक से वंचित कर दिया है। जन आदमियों को मीटिंग में बैठा कर, जन अधिकारियों को अफसरों को बैठा कर सिर्फ उनको ये हक दिया है, बाकी 98% सिपाही से लेके सुवेदार ऑलरेडी कैप्टन और सबको इस हक से वंचित किया है। स्पेशल बजट प्रेजेंट होते हैं सेना के लिए, तो और आप कह रहे कि ऑफिसर और निचले पदों के लिए ये नाइंसाफी है। बजट तो मैडम सिर्फ घोषणाओं में रह गए हैं, बजट को उन्होंने सिर्फ घोषणाओं में किया और दिखाया, कहीं भी लगाया नहीं। ये इतने सैनिक जो आए हैं ये अपने हक की लड़ाई के, अगर इनको मिल जाता तो आज ये जंतर मंतर पे धरना नहीं रखते। क्या हक चाहिए आपको? हमारी पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन सभी को बराबर मिले। इसमें मैम जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आता है बंदा, कोई 18 साल सर्विस करके आता है, कोई 19 साल करके सर्विस आता है, उसको इस ORP 2 से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे धक्के मार के बाहर किया है उन्होंने, क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई ये तो अपनी मर्जी से पेंशन लेकर के आए हैं, लेकिन एक सैनिक जो है वो मजबूरी में पेंशन लेकर के आता है, जो 17-18 साल सर्विस करके आता है। एक जो राजनेता है, कोई भी नेता MLA MP बनता है, वो कोई भी अगर वो महीने के लिए भी MLA MP बनता है तो उसको
पूरे पेंशन के बेनिफिट मिलते हैं। क्या एक सैनिक जो 17 साल 18 साल सर्विस करके आता है, क्या उसको पूरी पेंशन के अपने हक नहीं मिलने चाहिए? हम उसी की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लड़ाई इनको भी हम सिखाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे कि भाई जब हमारे हकों की, जब हमारे हकों को मारा जाता है तो उसको हमें किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर जा करके लड़ना पड़ता है, उसके लिए हमारे को सरकार से मांग करनी पड़ती है, वो इनको भी सिखाना है और हमने भी इस लड़ाई को पूरे चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ना है और सरकार जब तक हमारे हक नहीं देगी तब तक हम ये अपना धरना ऐसे ही जारी रखेंगे।